स्पोर्ट्स डे के मौके पर एसटीईटी सफल अभ्यर्थी 2019 अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर आज एक बार फिर पटना की सड़कों पर उतरे और पूरे तरीके से जदयू कार्यालय का घेराव किया। वहीं राजद कार्यालय को भी घेर कर रखा था, हालांकि पुलिस ने उन्हें खदेड़कर वहां से हटाया। बता दें कि इन लोगों ने इच्छा मृत्यु की भी मांग की है। संजय कुमार द एचडी न्यूज़, आप ट्राई कर दीजिए, नाम लिख दीजिएगा, हम लिंक भी आपको भेज देंगे। हम लोग शारीरिक शिक्षक पास अभ्यर्थी है। हम लोग का एग्जाम फरवरी दिसंबर 2019 में हुआ था और 2020 में हम लोग का रिजल्ट घोषित हुआ, वो भी हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। और हम लोग लगातार सरकार से मिल रहे हैं, उनसे अपनी बातों को वहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन सरकार जो है हमारी बातों को नहीं सुन रही। पिछला बार जब हम लोग की मुलाकात हुई थी तो उनके प्रवक्ता ने आदेश दिया था कि 15 अगस्त तक आप लोग को कोई सूचना अच्छी खबर मिल जाएगी। जब 15 अगस्त खत्म हो गया है उसके बाद आज हम लोग को पता चला है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ राष्ट्रीय कार्यक्रम आने वाले हैं। तो हम लोग का ये मांग है, ये हम लोग का ये इच्छा मृत्यु का लेकर है, आप इसको देख लीजिए। घर वाले हम लोग को बोलते ही हैं कि नौकरी करके इतना दिन खेल लें, एग्जाम पास किए, रिजल्ट आ गया, नौकरी मिल नहीं रहा। घर वाले ऐसे ही धुतकार ही रहे हैं। अगल बगल वाले जिनके एक कहावत होता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलो कूदोगे बनोगे खराब, आज वो कहावत सच होते जा रहा है। आज आप देख लीजिए ओलंपिक अभी खत्म हुआ, उसमें बिहार का कोई भी प्लेयर ले बॉयज में ना गर्ल्स में कोई भी प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं हुआ। क्यों? क्या बिहार में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बिहार के बच्चे वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस अच्छा कर सके और ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सके? नहीं, सरकार हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही। तो जब हम लोग घर से भागे जा रहे हैं, बाहर वाले भी धुतकार ही रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आत्मदाह करके हम लोग। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ बाय स्कोप के साथ। नमस्कार।